एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एविडेंस एक्ट में हम लोग रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट का जो चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें हम लोग सेक्शन 6 और 7 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज सेक्शन 8 को देखेंगे। सेक्शन 8 जो है वो किन की रिलेवेंसी की बात करता है, तो देखिए मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, इनके रिलेवेंसी की बात करता है सेक्शन 8। जो मोटिव और प्रिपरेशन है वो किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के रेफरेंस में हो सकते हैं, और जो कंडक्ट है वो किसी सूट या प्रोसीडिंग के रेफरेंस में या फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के रेफरेंस में रिलेवेंट होता है। अगर आप सेक्शन 8 का पैरा पहला देखेंगे जो कहता है कि कोई भी फैक्ट जिससे मोटिव या प्रिपरेशन कॉन्स्टिट्यूट होता है या शो होता है किसी भी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के लिए, तो वो फैक्ट रिलेवेंट होगा। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मोटिव की। मोटिव क्या है? मोटिव एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक मेंटल स्टेटस है जो फोर्सिंग पावर का काम करता है किसी भी पर्सन को कोई पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए। किसी भी एक्ट को करने के पीछे जो रीजन होता है उसको ही हम मोटिव कहते हैं। यहाँ देखिए मोटिव और कॉज में डिफरेंस होता है। ए का बी के साथ झगड़ा हो गया, और ये जो झगड़ा है इसकी वजह से ए जो है वो बी से बदला लेना चाहता है और ए बी को जाके मार देता है। अब इन दोनों के बीच का जो झगड़ा था ये कॉज है, और ये सेक्शन 7 में रिलेवेंट होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसकी वजह से ए का जो मोटिव था कि उसको इससे बदला लेना है वो रिवेंज मोटिव है, मतलब उस एक्ट को करने के पीछे रीजन क्या था उसका बदला लेना, और ये मोटिव जो है वो सेक्शन 8 में रिलेवेंट हो जाता है। अगर बात की जाए कि मोटिव की रिलेवेंसी क्यों जरूरी है, क्यों मोटिव को प्रूव करना होता है, या मोटिव किसी भी पर्सन का क्यों रिलेवेंट होता है एविडेंस एक्ट के अंदर, तो देखिए जब भी कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है तो ज्यादातर केसेस में कोई पर्सन किसी रीजन की वजह से वो ऑफेंस करता है, तो ये प्रूफ करना जरूरी होता है कि उस पर्सन ने उस रीजन की वजह से वो ऑफेंस किया है। उसका गिल्ट प्रूफ करने के लिए उसका मोटिव प्रूफ करना जरूरी होता है। आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि किसी पर्सन ने किसी का इसलिए मर्डर कर दिया क्योंकि उसकी कोई पुरानी रंजिश थी, या तो उसने उसके साथ उसकी कोई प्रॉपर्टी ले ली थी, उसको बदला लेना था, कोई भी ऐसे बहुत तरह के रीजंस होते हैं। तो और अगर एब्सेंस ऑफ मोटिव है तो इसका फायदा हमेशा एक्यूज्ड को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, अगर डायरेक्ट और क्लियर कट एविडेंसेस हैं और डायरेक्ट आई विटनेस है तो मोटिव वहां पे मीनिंग लेस हो जाता है। अदरवाइज मोटिव रिलेवेंट होता है किसी पर्सन की गिल्टी प्रूफ करने में। मोटिव को दो तरह से प्रूफ किया जा सकता है, या तो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उससे प्रूफ किया जाए, या पर्सन के कंडक्ट से प्रूफ किया जाए। हालांकि मोटिव को प्रूफ करना मुश्किल होता है कोर्ट के अंदर। अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन की। तो देखिए कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करना जिसमें एक पर्टिकुलर एक्ट किया जा सके उसको ही प्रिपरेशन कहते हैं। जैसे कि कोई पर्सन को कोई ऑफेंस करना है, उससे पहले वो जिसकी मान लीजिए किसी का मर्डर करना है तो वो उसका कुछ दिन तक पीछा करता है, उसकी टाइमिंग को देखता है कि कब वो आता है कब वो जाता है, किसी के साथ वो मीटिंग कर रहा है जिनके साथ मिलके उसको वो एक्ट करना है, फोन पे बात कर रहा है, किसी शॉप पे जाता है वेपन लेने के लिए, इन सबको प्रिपरेशन कहते हैं। कोई भी प्लान कोई भी डिजाइन जो होता है उसको प्रिपरेशन कहा जाता है, और किसी भी एक्ट के लिए ये प्रिपरेशन जो होता है वो रिलेवेंट होता है, इसीलिए इसको सेक्शन 8 के अंदर रखा गया है प्रिपरेशन को। अब बात आती है कंडक्ट की। देखिए सेक्शन 8 का जो सेकंड पैरा है वो कंडक्ट की बात करता है। कंडक्ट जो है किसी पार्टी का या पार्टी के एजेंट का, यहाँ पे याद रखिएगा पार्टी का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग पे अप्लाई होता है, ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पे भी अप्लाई होता है। इसमें प्लांटिंग और डिपेंडेंट सिर्फ नहीं आते हैं, एक्यूज्ड या प्रिजनर भी आते हैं अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन की बात की जाए तो। तो कंडक्ट जो है किसी पर्सन का कब रिलेवेंट होता है, किसी भी सूट या प्रोसीडिंग के रेफरेंस में, या किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट के रेफरेंस में, और साथ ही साथ किसी भी पर्सन का कंडक्ट तब भी रिलेवेंट होता है जो अगर कोई ऑफेंस है और वो प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट है, तो तब भी वो कंडक्ट जो है रिलेवेंट होगा। अब बात आती है कि कंडक्ट की, कंडक्ट क्या होता है। किसी भी पर्सन का कोई फिजिकल एक्ट उसको कंडक्ट कहा जाता है, कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता है। ओमिशन जो है वो भी कंडक्ट के अंदर ही आता है, उसको हम कंडक्ट कहते हैं, और कंडक्ट रिलेवेंट होता है। सेक्शन 8 के अंदर इसकी रिलेवेंसी दी गई है। लेकिन देखिए कंडक्ट को प्रूफ करने के लिए ये जरूरी है, अगर सेक्शन 8 की पर्सपेक्टिव पे बात की जाए,
कि वो कंडक्ट किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करे या उनसे इन्फ्लुएंस हो, तभी कंडक्ट रिलेवेंट होगा इन दोनों ही केसेस में जो मैंने आपको ऊपर बताया। और कंडक्ट जो है वो प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। प्रीवियस कंडक्ट जो आप एक्ट को करने से पहले कोई कंडक्ट करते हो उनको प्रीवियस कंडक्ट कहा जाएगा, और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो आप कोई प्रिंसिपल एक्ट करने के बाद करते हो, जैसे अगर किसी पर्सन ने चोरी की तो वो चोरी करके कहाँ भागा, उसने स्टोलन प्रॉपर्टी कहीं छुपाई या उसको ले जाकर के सेल कर दिया, ये सब सब्सिक्वेंट कंडक्ट है और सेक्शन 8 के अंदर ये प्रीवियस और सब्सिक्वेंट दोनों ही रिलेवेंट होते हैं। कंडक्ट से रिलेटेड कुछ बातें और जान लीजिए। जो पार्टीज होती हैं सिर्फ उन्हीं का कंडक्ट एडमिसिबल होता है, मतलब कि उस सूट या प्रोसीडिंग के अलावा अगर कोई और पर्सन है तो उसका कंडक्ट एडमिसिबल नहीं होगा। दूसरी चीज है कि जो पर्सन का कंडक्ट है वो सिर्फ उसके अगेंस्ट ही एडमिसिबल होगा। इसका मतलब है कि एक को एक्यूज्ड का कंडक्ट दूसरे एक्यूज्ड के कंडक्ट के लिए हम उसको एडमिसिबल नहीं मान लेंगे, जिसने जिसका कंडक्ट है सिर्फ उसी के अगेंस्ट वो एडमिसिबल होगा। तीसरी चीज मैंने आपको बताया कि कोई भी कंडक्ट तभी रिलेवेंट होगा सेक्शन 8 के अंदर अगर वो किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को इन्फ्लुएंस करता है या उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है तो ही वो रिलेवेंट होगा। अब आ जाइए किसी सूट या प्रोसीडिंग में कैसे कंडक्ट होते हैं, मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देती हूँ। जैसे किसी भी चीज को प्रिवेंट करना, अगर किसी ए ने बी को पॉइजन दिया है और बी मर गया है और ए पूरी कोशिश कर रहा है कि बी का मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो, तो उसका ये प्रिवेंट करना, ये कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन ना हो, ये कंडक्ट है और ये सेक्शन 8 के अंदर जो है रिलीवेंट होगा। किसी एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देना या उसका कंसीलमेंट, उसको छुपाना, ये भी रिलीवेंट होता है एज अ कंडक्ट। फॉल्स एविडेंस, कोर्ट में फॉल्स एविडेंस देना या देने की कोशिश करना, किसी पार्टी का किसी एविडेंस को देने में फेल हो जाना, ये भी एज अ कंडक्ट रिलेवेंट होगा। किसी विटनेस या किसी पार्टीज को डराना, धमकाना, अरेस्ट के बाद अगर कोई पर्सन किसी प्लेस को पॉइंट आउट करता है, जैसे कि उसने कहाँ पे डेड बॉडी छुपाई है, कहाँ पे वेपन छुपाए हैं, कहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी छुपाई है, ऐसी किसी भी प्लेस को पॉइंट आउट करना, ये भी एज अ कंडक्ट जो है रिलेवेंट होता है सेक्शन 8 के अंदर। भाग जाना है, आप क्यों भागे, पुलिस के डर से, लोगों के डर से क्यों भाग गए, ये भी एज अ कंडक्ट रिलेवेंट होगा। FIR लॉज कराना, एक्यूज्ड जाकर के खुद FIR लॉज कराता है या किसी विक्टिम का भी इवन FIR लॉज कराना जो है वो एज अ कंडक्ट किसी सूट या प्रोसीडिंग के अंदर रिलेवेंट होता है। ये मैंने आपको कंडक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि वो कैसे रिलेवेंट होगा। अगर आप सेक्शन 8 का एक्सप्लेनेशन 1 और 2 देखेंगे, ये दोनों कंडक्ट से रिलेटेड है। पहला कहता है कि इस सेक्शन में जो वर्ड यूज किया गया है कंडक्ट, उसमें स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ इसी सेक्शन को अफेक्ट करता है, ये सेक्शन 8 के ही पर्सपेक्टिव में, ये इस एक्ट के किसी और सेक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर स्टेटमेंट किसी एक्ट को एक्सप्लेन करता है तो फिर वो स्टेटमेंट रिलेवेंट होगा, वैसे नहीं होगा रिलेवेंट अगर आप फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो किसी एक्ट को एक्सप्लेन करता है तो फिर वो स्टेटमेंट है रिलेवेंट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 देखिए क्या कहता है कि किसी भी पर्सन का कोई कंडक्ट तब रिलेवेंट होगा अगर उसकी प्रेजेंस में कोई स्टेटमेंट बनाया गया है और उसने वो सुना और उसकी वजह से उसका कंडक्ट अफेक्ट हुआ तो वो रिलेवेंट होगा। इसका एक इलस्ट्रेशन देख लीजिए, जो सेक्शन 8 का इलस्ट्रेशन F है वो एक्सप्लेनेशन 2 पे ही बेस्ड है कि अगर सी जो है वो ए के प्रेजेंस में कहता है कि पुलिस आ रही है और उस आदमी की तलाश कर रही है जिसने बी की रॉबरी की है, और ये सुनते ही ए जो है वो इमीडिएटली भाग जाता है, तो ए का भागना एज अ कंडक्ट रिलेवेंट होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो उसके प्रेजेंस में ये स्टेटमेंट बनाया गया था और उसने इसको सुना और उसका कंडक्ट अफेक्ट भी हुआ कि वो भाग गया, इसलिए ये रिलेवेंट होगा। सेक्शन 8 के अंदर बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं, आप उन सबको देखिए, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। इतना ही, थैंक यू।